subscribe to Business of Cinema, click the bell icon for all updates. इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जब रिलीज हुई तो फ्लॉप हो गई, तो सब ने कहा कि ये तो बैठ गई फिल्म. वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन हमारे ट्रेड पंडित जो ट्रेड मैगजीन्स थी उनको ऐसा लगा कि ये फिल्म नहीं चल सकती, ये फिल्म नहीं चली है. मेरा ख्याल है वो पहले से प्रिपेयर्ड थे ये कहने के लिए, क्योंकि फिल्म जो जिसका बजट 1 करोड़ था वो 3 करोड़ तक चला गया. ये फिल्म कैसे पैसा बना सकती है, ये तो रिलीज के पहले ही फ्लॉप है. और इसी तरह उन्होंने लिखा कि ये फिल्म डिजास्टर है इंडस्ट्री के लिए, 3 करोड़ का खर्चा, ऊपर से प्रिंट पब्लिसिटी और ये सब, तो ये 4-5 करोड़ से कम तो खर्चा नहीं है इसका, कब रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा, इंडस्ट्री डूब गई. लेकिन जहां तक ऑडियंस का सवाल था, ऐसा बिल्कुल नहीं था. यह जरूर था कि ऑडियंस, जब मैं और पहली बार फिल्म देखने गया ऑडियंस के साथ, तो सन्नाटा छाया हुआ था. मुझे लगा कि क्या है, मैं दूसरी सिनेमा में गया, तीसरी में गया, हर जगह सन्नाटा. उससे कुछ ऐसे लगा कि तो वाकई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, ये पंडित बोल रहे हैं एक तरफ से और ये मैं कुछ सुन ही नहीं रहा हूं दूसरी तरफ. तो एक सिनेमा है यहाँ वर्ली में, गीता सिनेमा करके, ओल्ड सिनेमा थी, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर. वहां गया, उनके मैनेजर ने बुलाया, आप हारे आए गए, इंटरवल हो चुका था. मैंने कहा अब इसको क्या कहना है, इसकी भी सुन लो अब. तो उसने कहा कि आपकी फिल्म जो है, प्रॉब्लम मेरा ये है कि ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड सोडा फाउंटेन का और ये जो कोक और सिगरेट और समोसे का, यहाँ कोई आता ही नहीं. तो ये भी क्या मतलब, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं और ना कोई आवाज हो रही है. चीज नहीं, इंटरवल में कोई सिनेमा सीट से उठना ही नहीं चाहता. तो सन्नाटा इस वजह से है कि इन लोगों ने आज तक ऐसी फिल्म देखी नहीं. इतना साउंड और ये जो सारी तिगड़में की, हमने मेहनत की, जो भी की, अब एक सेंटेंस में समझ में आ गई बात कि लोग चौकन्ने हो गए हैं. धीरे धीरे ये वर्ड स्प्रेड हुआ, फिर 4-5 दिन के बाद फिर डायलॉग दोहराने लगे, अगर वाकई नहीं पसंद आती तो कोई होगा नहीं अंदर. फिर धीरे धीरे समझ में आया और सबको 7th और 8th वीक में जाकर मानना शुरू किया लोगों ने कि ये हिट है. और फिर 15वें हफ्ते में पंडित ने मान लिया कि ऐसी हिट नहीं बनी. प्लीज सर, शान भी आपकी तब की, जब तो सर शोले रिलीज होने के बाद आप पे वो होता है कि यार इतनी बड़ी हिट हो गई, अब मैं अगला क्या करूंगा. तो शान जब तब उस वक्त, क्योंकि वो भी मल्टी स्टार है उसमें, तो उस वक्त क्या था सर? उस वक्त ऐसा था, हमने उस सब आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे कि पहली प्रिंट शान की देखनी है, 70mm स्टीरियोफोनिक साउंड, बच्चन साहब, शशि जी, सब ऑल प्रवीण, सलीम जावेद, ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड ऑल द क्रू वाज देयर. और हम पहुंच गए तो लास्ट शो चल रहा था शोले का, पूरी पिक्चर खत्म हुई,
फिर एक सन्नाटा छा गया और सबने कहा कि यार इसी को चलने दो, अब इसको उतार के कुछ और लगाएंगे पता नहीं क्या कहेगी, क्यों ना इसी को चलने दे। तो उस वक्त बात की और मॉर्निंग शो हमने उसका रहने दिया सूर्य का, और ये लगाई। फिल्म वॉज रिलीज, फिल्म इनिशियली फेल्ट डिसअपॉइंटिंग, नॉट फ्रॉम इट्स टेक्निक और इट्स फिनेस वॉज एक्सलेंट, इट वॉज अप्रिशिएटेड ऑल्सो इन मैनी वेज, लेकिन वो बात नहीं है, सबका ये एक ही कहना था वो शोले वाली बात नहीं है। तो ऐसा होता है जब इतनी हवा बन गई जो 42 साल बाद भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको वाइप आउट करना दिमाग से और दूसरी चीज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। अगर मैंने उल्टा किया होता, पहले शान बना लेता और ये कर लेता, तो उससे बड़ी वो फिर उसके बाद प्रॉब्लम होता, प्रॉब्लम तो होता, तो इसमें हो गया। तो ये बात है। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan and watch me only on facebook.com/businessofcinema.